मूविंग फॉरवर्ड स्टूडेंट्स थॉरली डिस्कस करते हैं बेस कैटलाइज न्यूक्लोफिल एडिशन रिएक्शंस को सबसे पहले स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं कि हमने किन किन रिएक्शंस के साथ डील करना है बेस कैटलाइज्ड एनवायरनमेंट के अंदर सबसे पहले स्टूडेंट्स आपके पास है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड देन है एडिशन ऑफ ग्रिगनार्ड्स रिएजेंट स्टूडेंट्स ग्रिगनारियजेंट्स को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपने प्रीवियस चैप्टर्स के अंदर देन स्टूडेंट्स आपके पास रिएक्शन नंबर थ्री है एडिशन ऑफ सोडियम बायसल्फाइड देन स्टूडेंट्स आप कंडेंसेशन रिएक्शंस डिस्कस कर रहे होंगे वन बाय वन जिनमें आप एल्डोल और कैनीजेरोज रिएक्शंस को देख रहे होंगे देन स्टूडेंट्स आपके पास एट लास्ट आते हैं हेलोफॉर्म रिएक्शंस सो स्टूडेंट्स इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं सबसे पहले स्टूडेंट्स आपके पास है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड अब स्टूडेंट्स रिएजेंट हम कैसे जनरेट कर रहे होते हैं वो ऐसे के सोडियम साइनाइड को आप डिज़ोल्व करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स आपके पास जनरेट होता है रिएजेंट जिसको हम कहते हैं हाइड्रोजन साइनाइड प्लस एन ए सी अब स्टूडेंट्स ये रिएजेंट रिएक्ट करता है विद डेट ऑफ फॉर्मल डिहाइट एसिटल एंड एसीटोन टू जनरेट साइनोहाइड्रेंट्स अब वो साइनोहाइड्रेंट्स कैसे होते हैं ओ एच सी एन साइनोहाइड्रेंट हम क्यों कहते हैं स्टूडेंट्स इनको वो इसलिए कहते हैं क्योंकि साइनाइड ग्रुप प्रेजेंट है एंड देन दैट ऑफ हाइड्रोक्सल ग्रुप प्रेजेंट है यानी कि हाइड्रन बोलते हैं यानी कि ये या आपके पास हो गया फॉर्मल डिहाइड साइनोहाइड्रन देन स्टूडेंट्स बिल्कुल इसी तरह आपके पास होगा एसिटल डिहाइट साइनोहाइड्रन सी एच ओ एच एंड देन सी एन देन स्टूडेंट्स आपके पास इसी तरह आ जाता है एसीटोन साइनोहाइड्रेन सी एच थ्री इन द प्रेजेंस ऑफ एच सी एन एन ए सी एन इन एच सी एन सी एच थ्री सी ओ एच सी एन एंड देन सी एच थ्री देन स्टूडेंट्स ये तो हो गए आपके कि कौन कौन सी प्रोडक्ट आपके पास कैसे जनरेट हो रही है और उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है यानी कि साइनोहाइड्र के, के स्ट्रक्चर से आपसे मिलियराइज हो गए देन स्टूडेंट्स ये रिएक्शन पर्टिकुलरली यूज़ किया जाता है अल्फाहाइड्रोक्सी एसड्स जनरेट करने के लिए वो कैसे वैसे ऐसे स्टूडेंट्स के आपके पास फॉर एग्जांपल एसीटल डिहाइड से आपने स्टार्ट लिया आपने उसको रिएजेंट के साथ ट्रीट कर दिया इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपने उसको ट्रीट किया एज ए रिजल्ट आपके पास जनरेट हुआ एसिटल डिहाइड साइनोहाइड्रिन सी एच थ्री एच ओ एच एंड देन सी एन अब स्टूडेंट्स आप इस कंपाउंड का जब एसिड हाइड्रोलिस करेंगे तो आपके पास ये साइनोहाइड्रिन ग्रुप जो है या ये जो साइनो ग्रुप है आपके पास ये कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के अंदर यानी कि कुछ ऐसे बन जाएगा ये द प्रेजेंस ऑफ एज टू हो यानी कि एसिडी कंडीशन आप प्रोवाइड करेंगे सी एच थ्री सी एच ओ एच एंड देन सी ओ ओ एच कि स्टूडेंट्स आपके पास जनरेट हो गया एल्फा हाइड्रोक्सी एसिड एल्फा हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड यह आपके पास फंक्शनल ग्रुप अटैच है यह हो गया अल्फा कार्बन एल्फा हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड तो स्टूडेंट्स ये हो गया आपके पास कि कैसे आप कन्वर्ट कर सकते हैं साइनोहाइड्रिंस को इन द सेंसेस ऑफ यूज़ कर सकते हैं अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स आगे स्टूडेंट्स हम इसके मैकेनिज्म को थॉरेली डिस्कस करते हैं मैकेनिज्म को डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स सबसे पहले होता क्या है कि आपके पास ओ OH ग्रुप यानी कि न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है हाइड्रोजन साइनाइड पर एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स होता ही है कि हाइड्रोजन पे अटैक करता है ये बॉन्ड लीव कर जाता है पार्शल पॉजिटिव और पार्शल नेगेटिव चार्ज होता है अब स्टूडेंट्स आपके पास बेस ने जनरेट कर दिया न्यूक्लियोफाइल इन द फॉर्म ऑफ साइनाइड आयन अब ये साइनाइड आयन स्टूडेंट्स अटैक करेगा कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर प्लस नेगेटिव चार्ज है प्लस सी डबल बॉन्ड ओ स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन सेंटर पे अटैक किया यहाँ पे स्टूडेंट्स आप इसको पार्सल पॉजिटिव चार्ज ले लेंगे एंड पार्सल नेगेटिव चार्ज लेंगे इसको रिएक्शंस के दौरान जब आप मैकेनिज्म लिख रहे होंगे स्टूडेंट्स तो लाजमी मेंशन कर रहे होंगे ताकि क्लैरिटी हो देन स्टूडेंट्स एज ए रिजल्ट ये बॉन्ड आपका ब्रेक हो जाएगा सी एन सी यहाँ पे जो भी ग्रुप प्रेजेंट है उसके हिसाब से ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया यानी कि आपका जनरेट हुआ अल्कोक्साइड आयन अल्कोक्साइड आयन की जनरेशन के बाद स्टूडेंट्स क्या होगा कि आपका ये जो ग्रुप है अल्कॉक्साइड आयन ये प्रोटॉन पिक कर लेगा सोल्यूशन में से एज अ रिजल्ट आपके पास जनरेट हो जाएगा साइनोहाइड्रिन ओ OH. एच तो ये हो गया स्टूडेंट्स आपके पास मैकेनिज्म कि एक्चुअली आपके पास कार्बोनिल ग्रुप कैसे कन्वर्ट हो रहा है साइनोहाइड्रिन ग्रुप में तो स्टूडेंट्स आपने देखा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड को आगे हम चलते हैं डिस्कस करते हैं थॉरली एडिशन ऑफ सोडियम बायसल्फाइड को स्टूडेंट्स हम याद रखेंगे कि हमेशा aldehydes और मिथाइल कीटोन्स रिएक्ट कर रहे होते हैं सोडियम बायसल्फ़ाइड के साथ यानी कि एल तमाम मिथाइल कीटोन्स में आपके पास एसीटोन और तमाम वो कीटोन्स जिनमें एटलीस्ट मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है वो रिएक्ट करते हैं सोडियम बायोसल्फाइड के साथ सोडियम बायोसल्फ़ाइड एडक्ट प्रोड्यूस करते हैं और स्टूडेंट्स इसके पर्टिकुलरली वाइड प्रेसिपिटेट होते हैं यानी कि आप इसको आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए यूज़ कर सकते हैं यानी कि एल और कीटोन्स अगर आपने देखने हैं कि आपके सोल्यूशन में आपके कंपाउंड में प्रेजेंट हैं या नहीं है तो

देन स्टूडेंट्स आपके पास एसीटल डिहाइड की केस में भी ऐसे ही एडक्ट आ जाता है एस ओ थ्री एन एच ओ एच बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स एसीटोन के लिए आपके पास सी एच थ्री एस ओ थ्री एन ए एंड ओ एच अब स्टूडेंट्स हम इसका मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं मैकेनिज्म स्टूडेंट्स इसका कुछ इस तरह से होता है कि आपके पास जो सोडियम बायोसलफाइड है एन ए एच एस ओ थ्री ये स्टूडेंट्स आपके पास न्यूक्लियोफाइल जनरेट कर लेता है ये न्यूक्लियोफाइल डायरेक्टली अटैक कर रहा होता है कार्बनियल कार्बन के ऊपर वो कैसे एन ए पॉजिटिव एच पॉजिटिव वाटर के अंदर ये बना लेता है प्लस एस ओ टू नेगेटिव ओ नेगेटिव एन ए पॉजिटिव यानी कि पर्टिकुलरली आपके पास बायसल्फाइट में एस ओ टू नेगेटिव एक्ट कर रहा होता है न्यूक्लियोफाइल के तौर पे अब स्टूडेंट्स ये न्यूक्लियोफाइल जनरेट हो गया बेसिक कंडीशंस के अंदर अब ये अटैक करेगा कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर यानी कि एस ओ टू नेगेटिव ओ नगेटिव एन ए पॉजिटिव प्लस आपके पास आ जाता है कार्बोनिल ग्रुप ये अटैक करेगा कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर एज यूजल आपको पता है पार्शल पॉजिटिव और पार्शल नेगेटिव चार्ज है ये बॉन्ड ब्रेक होगा एंड देन स्टूडेंट्स आपके पास बन जाएगा ये अटैच हो जाएगा यहाँ पर यानी कि ओ नेगेटिव एंड देन स्टूडेंट्स आपके पास आ जाता है एस ओ टू ओ एन ए पॉजिटिव एंड देन स्टूडेंट्स जब ये प्रोटॉन पिक कर लेता है फ्रॉम दैट ऑफ द सोल्यूशन तो ये आपके पास बना लेता है अडक्ट सोडियम बायसल्फाइड एडिशन अडक्ट ओ एच एंड देन एस ओ टू नेगेटिव ओ एन ए या इसको आप डायरेक्टली लिख सकते हैं एस ओ थ्री एन ए की फॉर्म में देन स्टूडेंट्स आपके पास ये रिएक्शन पर्टिकुलरली यूज़ किया जाता है पेरेंट एल डिहाइड रीजनरेट करने के लिए यानी कि स्टूडेंट्स फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एसिटल डिहाइड से आपने रिएक्शन करवाया था सोडियम बायोसल्फाइड का तो आपके पास जो सोडियम बायोसल्फाइड एडिशन एडॉप्ट है फॉर देट ऑफ एसिटल डिहाइड वो कुछ ऐसे होगा सी ए एच ओ एच दैन एस ओ थ्री एन ए इसको स्टूडेंट्स आप स्ट्रोंग एसिडिक कंडीशंस के अंदर दोबारा से कन्वर्ट कर सकते हैं इसके पेरेंट कंपाउंड के अंदर यानी कि ये दोबारा से कन्वर्ट हो सकता है आपके पास एसिटल डिहाइट के अंदर प्लस एन एस सी एल प्लस एस टू तो स्टूडेंट्स ये तो हो गई इस रिएक्शन की सिग्निफिकेंस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पर्टिकुलरली स्टूडेंट्स ये सिग्निफिकेंस है इसकी कि आप किसी ऑर्गेनिक सिंथेसिस के अंदर आप एनालिसिस कर रहे हैं तो आप अपने एल्डिहाइड या कीटोन को किसी पर्टिकुलर रिएक्शन के अंदर सेव करना चाहते हैं तो आप सोडियम बायोसलफाइड के साथ रिएक्ट करवा देते हैं ताकि वो एडप्ट जनरेट कर ले और स्टूडेंट्स पर्टिकुलर स्टेप के बाद आप दोबारा अपना कंपाउंड रीजनरेट कर सकते हैं यानी कि आप इस फंक्शनल ग्रुप को सेव करने के लिए भी ये रिएक्शन कैरी आउट कर सकते हैं मोर ओवर स्टूडेंट रिएक्शन आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर प्रैक्टिकली यूज किया जाता है आइडेंटिफिकेशन के लिए क्यों क्योंकि यह व्हाइट प्रेसिपिटेट जनरेट करते हैं